जल्द खत्म होगा इंतजार, अब सपना होगा साकार। बुलेट ट्रेन पर दौड़ेगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की सरजमी पर बुलेट ट्रेन को दौड़ाने का सपना अब जल्द साकार होने जा रहा है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के इस सपने को साकार करने के लिए रात दिन काम चल रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के इस सपने की नींव रखी थी, जिसके 2022 तक पूरा होने का अनुमान है। देश में पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। बुलेट ट्रेन के इस प्रोजेक्ट का काम बेहद तेजी से चल रहा है। हाई स्पीड कॉरिडोर के ब्रिज और टनल के डिजाइन का काम 80% पूरा हो चुका है। हाई स्पीड कॉरिडोर के ब्रिज और टनल के डिजाइन दिल्ली, मुंबई और जापान की कंपनियों ने तैयार किए हैं। साथ ही महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बुलेट ट्रेन का रूट महाराष्ट्र के 108 गांवों से गुजरेगा। जमीन अधिग्रहण के लिए पालघर जिले के 17 गांव के किसानों को नोटिस दिया है। किसानों को मौजूदा मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होगा और गुजरात के अहमदाबाद पर खत्म होगा। 508 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से 4 महाराष्ट्र और 8 गुजरात में होंगे। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स होगा। इसके बाद बुलेट ट्रेन का अगला पड़ाव मुंबई का ठाणे होगा। ठाणे के बाद बुलेट ट्रेन विरार स्टेशन पर रुकेगी। विरार के बाद अगला स्टेशन भोईसर होगा। भोईसर के बाद बुलेट ट्रेन गुजरात के वापिस स्टेशन पर रुकेगी। इसके बाद बुलेट ट्रेन का अगला पड़ाव बिलीमोरा होगा। बिलीमोरा के बाद बुलेट ट्रेन सूरत स्टेशन पर रुकेगी। सूरत के बाद भरूच बुलेट ट्रेन का अगला स्टेशन होगा। भरूच के बाद बड़ौदा में बुलेट ट्रेन का स्टेशन होगा। बड़ौदा के बाद बुलेट ट्रेन का अगला पड़ाव आणंद होगा। आणंद के बाद बुलेट ट्रेन साबरमती स्टेशन पर रुकेगी और इसके बाद अहमदाबाद इसका आखिरी पड़ाव होगा। बुलेट ट्रेन के शुरू होने पर मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी 7 घंटे से घटकर महज 3 घंटे रह जाएगी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच अप डाउन ट्रैक पर बुलेट ट्रेन रोजाना 35-35 फेरे लगाएगी। माना जा रहा है कि करीब 40,000 पैसेंजर रोजाना इस ट्रेन में सफर करेंगे। हवा की रफ्तार से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन में सुरक्षा के लिहाज से बेहद सावधानी बरती जा रही है। किसी भी हादसे से निपटने के लिए पूरी तैयारियां पहले ही की जा रही हैं। बुलेट ट्रेन का पूरा रूट भूकंप रोधी होगा। इसके लिए सिस्मोमीटर लगाए जाएंगे। साथ ही हवा का रुख और गति जानने के लिए विंड मीटर सिस्टम भी लगेंगे। ट्रेन की स्पीड हवा की गति पर निर्भर करेगी। अगर हवा 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगी तो ट्रेन रोक दी जाएगी। अनहोनी होने पर 10 मिनट के अंदर राहत मिलेगी। हिंदुस्तान के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिम्मा जापान के पास है और जिस स्पीड से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन को फर्राटा भरते देखने का सपना जल्द साकार होने जा रहा है। जल्द हिंदुस्तान भी दुनिया के उन मुल्कों की कतार में खड़ा होगा जहां विकास की पहचान बन चुकी बुलेट ट्रेन दौड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमी।